दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है जहाँ मैं रहता हूँ तीपरा में, बिलासपुर के तीपरा एरिया में। वहाँ सारे बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ बाढ़ आया है। और एक दो तालाब है वो भी पूरा भरा हुआ है, तो दिखाता हूँ क्या क्या है। और मैं अभी जा रहा हूँ लालू के घर, उसके बाद फिर चलेंगे मैं और लालू दोनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, और छाता भी रखा हूँ और पानी भी गिर रहा है, तो पानी गिरते गिरते अपन घूमने वाले हैं। ठीक है, मैं हो गया छाता लेके रेडी, तो चलें लालू के घर। हम चलते हैं लालू के घर, घर के लिए निकल गए हैं। इस समय पहुंच गए लालू के घर और मैं उसके छत ऊपर, ये देख सकते हो छत ऊपर का व्यू। और पानी भी रिमझिम रिमझिम गिर रहा है, और पानी गिरते ही अपन घूमने वाले हैं, आज फुल मजा आने वाला है। और ये है लालू पापा, पहुंच गए भाई अपन। खटिए में लेटा हुआ है, नहाया नहीं है अभी, फिर नहाने के बाद फिर जाएंगे। अभी जब नहा ले लाले, नहीं नहा लिया हूँ, नहा लिया अब जाएंगे। चल। और हम लोग निकल चुके हैं भ्रमण के लिए, जहाँ जहाँ बाढ़ आया है, और नहाएंगे भी उसमें। नहाते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग इज्जतदार इंसान है, इसलिए नहाते हुए नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये स्टार्ट हो गया बाढ़ का कहर, लहर जो भी बोल सकते हैं। ये देख रहे हो, और ये है महामाया मंदिर का एंट्री गेट, और ये है तीपरा का जल प्रपात। रोक ले, ये देखो पूरा तालाब भरा हुआ है, पूरा रोड के लेवल में तालाब भरा हुआ है भाई। बहुत जबरदस्त व्यू है इसका। गहराई है कम से कम 100 मीटर गहराई तो होगा ही, 300 फीट 200 फीट तो होगा ही। और हमारे तीपरा के भाई लोग तो मस्त नहा रहे हैं, और देखो निकासी यहाँ का जबरदस्त है। ये है जबरदस्त पानी, तालाब में इतना पानी भरा हुआ है कि रोड लेवल से चल रहा है, और पानी रोड में ऐसा बाहर आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। कॉलोनी में पूरा भरा जा रहा है पानी इसमें का। पानी का लेवल तो क्यों पूरा रोड तक का भरा हुआ है पूरा। व्यू देखो, पूरे तीपरा के लोग इधर आके बैठे हुए हैं पानी को देखने के लिए, और मेरे लल्ला भाई और लालू के साथ हम लोग घूम रहे हैं मस्त माहौल में। ये देखो बिल्कुल रोड के लेवल पानी है, ये रहा रोड और ये पानी। कूदो कूदो कूदो, लोग का महामाया तालाब वाला भ्रमण हो चुका है, और अब चलते हैं यदुनंदन नगर। यदुनंदन नगर कॉलोनी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो वो देखते हैं आपको और दिखाता हूँ। बने रहो मेरे लालू भाई के साथ। ये पहुंच गए यदुनंदन नगर के बाढ़ में, देखो यदुनंदन नगर कॉलोनी इस तरह भरा हुआ है, और हमारा गाड़ी भी देखो जब ले दे के चलने जा रहा है। जाने दे अबे एक्सीलेटर मत, जाने दे। पानी का मजा तो बहुत है भाई, लेकिन इसका मजा बस अभिनंदन लोगों की पब्लिक उठा रही है। हम लोगों को तो मजा आ रहा है, लेकिन क्या बोले कॉलोनी वालों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि सबके घर में पानी भरा हुआ है, सबको बड़े कठिनाइयों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, समझ रहे हैं इस बात को। हम लोग तो एंजॉय करने इधर घूम रहे हैं, लेकिन सबके घर में पानी घुसा हुआ है, तो समझ सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा। देख लिए, अच्छा इन लोग को नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग एकदम सोच समझ के घर बनाए हैं। ये देखो, अब मैं पानी का गहराई को तो नाप के नहीं दिखा सकता, बस ऊपर से देखो बहुत जबरदस्त। हम लोग का गाड़ी आधा डूब चुका है, देख लो आधा डूब चुका है। इधर ले चल, इधर। ये है यदुनंदन नगर के शिव मंदिर, यहाँ भी एकदम भरा हुआ है, पानी कम हो गया यार। अपन पानी कम होने के बाद अपन इधर आए हैं, थोड़ा सा भरा था ज्यादा, तब तो नहीं आ पाए, कोई नहीं, हम लोग को अभी पता चला। ये देखो
माई गॉड सुपर लल्ला ड्राइवर। अबे राम दे जाने दे भाई, बहुत गंदा भरे माई कसम भाई। का ही बोले, अति एंजॉय कर रहे हैं और खबर कॉलोनी वालों का तो बहुत तकलीफ हो रहा होगा। देखो घर को देखो पूरा भरा हुआ है और मेरे साथ लल्ला और लालू भाई भी अति का अति एंजॉय कर रहे हैं। तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भाई जो कहीं भी गाड़ी गिरा दे रहा है और हम लोग के भी डुबा दे रहा है और देख सकते हो इधर भी। और अब चलते हैं मन्ना डोल, क्योंकि मन्ना डोल में इससे ज्यादा बाढ़ आया हुआ है। हाँ मन्ना डोल में जबरदस्त एक्सीडेंट हो चुका है, कोई बाइक सवार बह गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब चलते हैं वहां, देखते हैं क्या है रेस्क्यू में। अपन भी साथ देंगे, अगर बने तो हम लोग भी उतर के ढूंढेंगे, अगर बने तो। तैरना आता है लेकिन थोड़ा सा काम आता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपन भी साथ देंगे। और चलते हैं मन्ना डोल। अभी अभी खबर आया है, लालू भाई को फोन आया था, अभी बताइए। हमारे दीपरा के न्यूज वाले है जिसको अभी पता चला। लालू भाई अभी ये हम लोग मन्ना डोल में एंट्री कर चुके हैं। देखे एकदम हरा भरा वातावरण, रोड में पानी और इतना सुपर डुपर 6 लेन रोड है, बहुत अच्छा रोड। इसमें चलने में इतना अच्छा फील होता है कि पूछो मत। ये देखो मन्ना डोल का ऊपर भरा हुआ पानी। ये भाई हम लोग को लल्लू बुलाया गया, भाई हम लोग को रेस्क्यू बोल के यहाँ मन्ना डोल के पूल में बुला लिया गया है और यहाँ कोई रेस्क्यू नहीं है। यहाँ जाएंगे तो हम क्या, देखो यहाँ तो जबरदस्त पानी बस है। ये पुल है, यहाँ से उस पार तक पुल है और पूरा भरा हुआ है, कोई रेस्क्यू नहीं है यहाँ पर। और यहाँ रेस्क्यू चल रहा करके हम लोग को भेजा गया है और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। और लालू भाई हमारे सामने, अच्छा लालू भाई यहाँ रेस्क्यू चल रहा था उसके लिए भीड़ होना चाहिए पता। हाँ उसके बारे में कुछ बोलो तो। कल के रेस से पता है कल के रेस से ये रेस्क्यू कल का था बताया जा रहा है यहाँ आने के बाद। सभी लोग रेस्क्यू देखने आए हैं, रेस्क्यू। ये है हमारे यहाँ के पुलिस वाले और NDRF की टीम। चलो कूदो NDRF की टीम, ये NDRF की टीम ये है और SDRF की टीम ये आ रहा है। आने दे सीधा अंदर। ये SDRF की टीम लोग अब सब पानी में उतर के अब ढूंढने वाले हैं। अब कोई रेस्क्यू नहीं था, लल्लू बनाया गया और हम लोग भी देख के आ गए और अंदर देख कुंद्रापारा का बाढ़ देख रहे। कुंद्रापारा के बाद फिर चलेंगे गुरू। ये स्टार्ट होता है कुंद्रापारा का बाढ़ और यही स्टार्ट होकर यही खत्म होने वाला है। जाने दो। अरे कसम पम महिला रे, भाई ये थी जान दे, भाई ये थी लाली है भाई। देख गाड़ी बस बंद मत कर मेरे लल्ला, बस जान दे। पीछे देखो, पीछे बाहर को देखो। ए भैया ओम को इधर का भी हो गया कुंद्रापारा का और अब चलते हैं गुरु नहीं गोखले नाला तिपरा। आगे है गोखले नाला तिपरा और निकल के इधर से आपको गोखले नाला दिखाता हूँ, ठीक है। और हम लोग पहुंच गए गोखले नाला पुल। आगे चल और ये देखो कितना ऊंचा नाला नहर है, उसके बावजूद इतना भरा हुआ है। सुपर। हाँ भाई, ओ यार वो लोग तो बहुत ही एंजॉय में ट्यूब में घूम रहे हैं। ये देखो भाई, हम लोग को भी ट्यूब लेके आना था। पानी आप देख सकते हो कितना भरा हुआ है पानी। मैं जा रहा हूं, ये है हमारे दीपरा के मेन गोखले नाला जो जाके अरपा में मिलने वाला है। मिलता है भैया, मिलने वाला नहीं, मिलता है। और ये पूरा पानी अभी अरपा में मिला है, अभी जाके देखेंगे उधर भी। अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे तो उसका। ये देखो हमारे दोस्त लोग कितने एंजॉय में, वो भी नाले के स्पेशल गंदे पानी में। उधर से देखते हैं, उधर से। अरे घुच रहा, आ जा रे, कहाँ है वो पाले निकल। हाँ ये रे हमारे विक्रम निषाद भाई।
बहुत मजे में है। बाढ़ के पानी में तो यही लोग मजा ले रहे हैं। यहाँ पर भी भरा हुआ है, यहाँ तो जोरों शोरों से भरा हुआ है। दिखाता हूँ आपको पास जाके, ये देखो वो रहा पुल, पूरा पुल भरा हुआ है। अबे लल्ला यहाँ तो कमर से ऊपर है। भाई मोर हालत खराब होगी तो भाई। अरे यहाँ कुत्ते लोग भी डरा रहे हैं। देखो ये यहाँ से पूरा पुल है, ये पुल तो कंधे से ऊपर पानी चल रहा है यहाँ पर। इधर पूरा कॉलोनी भी भरा हुआ है। और हम लोग पहुँच गए हैं गुरु, गुरु के ये इस रोड में पूरा भरा हुआ है, पुल भी पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर चल रहा है रेस्क्यू। NDRF की टीम तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर कोई बच्चा डूब गया है जिसको निकालने के लिए अभी NDRF की टीम जुटे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है, अभी तो हमको पता नहीं है। अपन अभी आए हैं तो यहाँ भी देख लो पूरा चारों तरफ पानी पानी है। और ग्राम सभी ग्राम के लोग भी पूरा भिड़े हुए हैं, इधर देख भी रहे हैं सभी सभी। और पता नहीं NDRF की टीम किधर है, दिख ही नहीं रहे। देखो गुरु के पूरा मोहल्ले में भी भरा हुआ है पूरा पानी। इधर ग्रामीण का भी भीड़ बना हुआ है। रेस्क्यू टीम तो ढूंढ रहे, लेकिन पता नहीं किधर ढूंढ रहे, पता ही नहीं चला। आ गए यदुनंदन नगर के बाढ़ में। यदुनंदन नगर में है एकदम जबरदस्त पानी। और हम लोग का ब्लॉग यहीं पर अपन एंड करते हैं, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय।